एक अजीज साहब को सलाम कर लो तो अल्लाह माफ करे, वो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। मैंने सिर्फ पीछे इतना पूछा, मैंने कहा की हाल है तारिक साहब? बस यार अल्लाह का शुक्र है, तू सुना की हाल ने तेरे? कहने लगे जिंदगी के नेहा खानों में जब पग डंडियों पे उड़ते हुए परिंदे जब परवास करते हैं तो सूरज की किरणें एक ऐसी जगह चली जाती हैं जहां इंसान अपने इदराक से दूर होता हुआ शफक के उस पार चला जाता है। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे स्क्रिप्ट याद करना ना, छड़ बैठ यार, मैं तुम्हें बताना, ये जो सूट पहना हुआ है जिंदगी में ऐसी कटिंग्स जो होती है इंसान के खुशनुमा होने की दलील होती है और चलता चला जाता है। फिल्म में काम किया, अब देखिए नीलाम घर बकौल उनके, उन्होंने 30 साल नीलाम घर में काम किया, 30 साल से नीलाम घर कर रहे हैं। अब जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उनको नीलाम घर कहां याद आया, एक जज्बाती सीन था, अदालत लगी हुई थी, जज बैठे हुए थे और ये खड़े हुए कह रहे हैं वो अदालत दिल की अदालत नहीं थी जहां का कानून उसे माफ कर देता, वहां गवाह थे, इकरार जुर्म था, बेशुमार निगाह मुजस्सम सवाल थी कि मैं मुंसिफ हूं या कोई और, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कहां फंस गई? मृदंग बाजे तिरक तुम तिरक तुम था था, मृदंग बाजे तिरक तुम था था, न तक तुम तुम तते तते था, न छुम छुम छन न छुम छुम छन न कांत 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 था था। अरे वाह। अच्छा जी, रात मेरे साथ गाइए यार, ये तो कमाल हो गया, ये तान नहीं थी, ये तान सैन की कुछ करवट की तान थी। तुम मेरे साथ गाए चले फिर, ओके ओके 1 2 3 मृदंग बाजे तिरक तुम तारा न तक तुम तुम तते तते न चुम चुम चन न चुम चुम चन न कांत 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 ता ता।